गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप सभी जुड़ जाएं और आपकी एक विशेष क्लास शुरू हो चुकी है। सुबह के 6 बजे आप जानते हैं कि आपकी ये क्लास होती है जिसको क्या बोलते हैं, DLED अर्थात BTC की क्लास। जी हाँ, BTC की क्लास केवल टाइटल और टैग होता है, बाकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब के लिए महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तो आ जाएँ जल्दी से, सभी टाइम हो चुका है सुबह के 6 बजे। चलिए, क्या क्या देखेंगे आज हम? प्रतिशत के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करेंगे। जी हाँ, परसेंटेज के हर एक प्रकार के सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आप क्लास को पूरा देखिएगा। परसेंटेज क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लें। उसके पहले मित्रों, बहुत सारे कमेंट्स आपके आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं जिनको देख कर काफ़ी दिल दुखी होता है। स्टूडेंट्स की लाइफ अभाव में गुजरती है ना, स्टूडेंट्स की लाइफ अभाव में गुजरती है। कुछ चीज़ की कमी तो कुछ चीज़ की ज़रूरतें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ही सताती हैं। कुछ ऐसे ही कमेंट्स आज देखने को मिले हुए थे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस लगे रहना है। कहते हैं ना, वही जो दो लाइनें हम आपको बोलते हैं, मोटिवेट रहना है, कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये जो अभाव होते हैं, परिस्थितियां बुरी होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। बात समझ रहे ना कुछ? चलिए फिलहाल हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने हूँ। प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है? साथियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति सैकड़ा, मतलब 100 में कितना। बात समझ रहे हो ना? जैसे मैंने कहा कि 5%, 5% का मतलब हुआ कि 100 में से 5 भाग, किस में से? 100 में से 5 भाग, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है, 100 पे। प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रति सैकड़ा, ठीक। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 100 का 5% बताओ तो कितना होगा, तो 100 का 5% 5 होगा। जैसे 100 रुपये का 5% 5 रुपया होगा, 100 रुपये का 10% 10 रुपया होगा, 100 रुपये का 20% 20 रुपया होगा, और 100 रुपये का 80% 80 रुपया होगा। बात समझ रहे हो ना? मतलब अगर 100 रुपये पे आपको प्रतिशत बोला जाए, तो जितना प्रतिशत बोला जाएगा उतना ही रुपया हो, मतलब उतना ही होगा, ठीक। बात समझ गए ना? तो ये अगर आप समझ गए हैं, तो हम आपको यहाँ से एकदम बेसिक समझाते हैं। पहले जैसे इधर देखना, अगर मैं बोलूँ 100 का 5% तो कितना होगा, आप जानते हो 5 रुपया होगा, है ना। 200 का 5% बताओ, कोई बताए कितना होगा? भाई सिंपल सी बात है, 200 को आप 100+100 लिख सकते हो, लिख सकते हो। हम जानते हैं कि 100 का 5% 5 होता है, और दूसरे वाले 100 का भी 5 होगा, दोनों को जोड़ दोगे 10 हो जाएगा। यानी कि 200 का 5% कितना होगा, 10 होगा। अगर इसी में एक और जुड़ जाता, 300 हो जाता, तो 300 को आप लिख सकते हो 200 × 10, 200 का आप जानते हो 10 होता है, 10 का 5 होता है। इस तरह से 300 का जो 5% है वो कितना हो जाता, 15 हो जाता। तो बात समझ में आई ना, ये होता है प्रतिशत। इसके बाद साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। हाँ जी, आप ये भी बोल सकते हो कि प्रतिशत एक प्रकार की ऐसी भिन्न है जिसका हर क्या है, 100 है, 100। जैसे कहा जाए कि 5%, 5% का मतलब जानते हो, 5% का मतलब हुआ 5/100, बस यही है प्रतिशत। जैसे अगर कहा जाए 25%, तो 25% का मतलब हुआ 25/100, मतलब प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है, बस। बात समझ गए ना? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए और लगाने के लिए बात करते हैं। मित्रों, जैसा कि अभी आपने देख लिया, प्रतिशत का मतलब होता है कि
एक ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं प्रतिशत को, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मतलब कि प्रतिशत का चिन्ह हटाना के बारे में। कैसे होगा? जैसे पहला सवाल है 25% को साधारण भिन्न में ज्ञात बदलिए या फिर भिन्न में बदलिए। जानते हो कैसे होगा 25% को भिन्न में बदलोगे तो? ये हो जाएगा 25 और परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, इक्वल 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? किसी भी नंबर को ले लो, अगर उसमें से जैसे कहा जाए 50% इसको भिन्न में बदलो तो 50/100 होगा, इक्वल 1/2 हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना हुआ। ठीक, मतलब प्रतिशत से क्या करना है, उसमें से चिन्ह प्रतिशत का हटा देना है, बस ये तरीका था। दूसरा है प्रतिशत का चिन्ह लगाना। ध्यान से देखना क्लास को, ये परसेंटेज एकदम क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी परीक्षा के लिए बैठने वाले हो, जरूरी नहीं कि आप डीएलएड बीटीसी के लिए हो, ये कोई मोहर नहीं लग गई है कि ये परसेंटेज केवल बीटीसी डीएलएड में आएगा, बाकी लोगों को कुछ और मिलेगा अलग से, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह लगाना मतलब प्रतिशत में बदलना, जस्ट अलग, उल्टा। जैसे पहला सवाल है प्रतिशत में बदलना है, 3 को परसेंटेज में कैसे बदलोगे? जानते हो? तीन गुणे 100 बराबर 300%। बात समझ में आई ना? कोई भी नंबर है अगर उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे। जैसे कहा जाए 0. अभी दशमलव वाला जाने दो, कोई भी नंबर ले लो। जैसे कहा जाए अभी 120, इसको प्रतिशत में बदलिए, मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगा के लिखिए, तो 120 क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, और 120 और ये 20 कितना हो जाएगा यार, ये 120 को परसेंटेज में बदलोगे तो 12,000 आएगा, है ना? मतलब जिसको भी परसेंटेज में बदलना है उसको 100 से गुणा करना है, कोई भी नंबर है। जैसे कहा जाए सी नंबर 3/4 को परसेंटेज में बदलिए, तो 3/4 × 100 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4×5=20, 25 × 75%। बात समझ में आई ना? कोई भी भिन्न के रूप में दिया गया या फिर वैसे लिखा गया है उसको आप इस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखो, भिन्न था हमने प्रतिशत में बदल दिया, नंबर था प्रतिशत में बदल दिया, तो उसको भी तो कर लोगे ना। अब आगे क्या करना है, ध्यान देना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, हेडिंग लिखिए, क्या करना है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ध्यान देना, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर लेके आए हैं। जैसे पहला है 0.25, इसको क्या करना है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, मतलब इसको परसेंटेज लगाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है, आप दशमलव हटाओगे तो ऑलरेडी 100 से भाग हो जाएगा। परसेंटेज में बदलना है, दशमलव में प्रतिशत में बदलना है, मतलब दशमलव को प्रतिशत में। तो ये क्या होगा, 100 से मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। बात समझ में आई ना? अगला है बी नंबर, क्या बोल रहा है इसमें,
इसी में एक और है, वो भी दशमलव में बदलना है, देखना क्या है। हाँ, 0.125।